तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक लेटर दिखाता हूँ। ये लेटर भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ये लेटर लिखा गया है और इसकी डेट है 3 जनवरी 2022, यानी इसी साल का कल का ये लेटर है। और इस लेटर का हेडिंग आप देख सकते हैं, इसमें DA और DR जुलाई 2022 तक का जो मैटर है उसके बारे में ये हेडिंग दिया गया है। और इस लेटर में आगे बताया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बिगड़ती हुई परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों का एवं पेंशनर का DA DR फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, ताकि भविष्य में आने वाली अभूतपूर्व परिस्थिति से हम अच्छी तरह से लड़ पाए। दोस्तों ये लेटर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वजह से सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के दिल में DA DR को लेकर फिर से प्रश्न उठने लगे हैं। लेकिन दोस्तों ये लेटर पूरी तरह से फेक है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी मेमोरेंडम या ऐसा कोई भी लेटर नहीं दिया गया है। गवर्नमेंट का एक अकाउंट है जिसको बोलते हैं PBI, और PBI ने खुद ही इस लेटर को फर्जी घोषित किया है और इस खबर को भी गलत साबित किया है। तो आपको एक बार फिर रिपीट करके बताता हूँ कि किसी भी कर्मचारी का अभी तक सरकार की तरफ से DA DR रोकने के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इस लेटर को वायरल होने से आप लोगों ने रोकना है। और सोशल मीडिया में आ रही हर एक खबर सच्ची नहीं होती, हर एक खबर की सही तरह से पुष्टि करें और उसके बाद ही किसी को फॉरवर्ड करें। ये अवेयरनेस की ज़रूरत हमको है। फिलहाल के लिए DA DR के लिए रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी खबर नहीं है। DA DR आपको 3% के मुताबिक दिया जाएगा। इस खबर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।